राधे राधे। आइए सुनते हैं माँ गंगा की यह कथा। माँ गंगा की पूजा करते समय जरूर सुने यह कथा, मिट जाएंगे सारे पाप। आइए सुनते हैं गंगा सप्तमी की यह कथा। धार्मिक मान्यता है कि गंगा नदी में केवल स्नान करने से व्यक्ति द्वारा किए सभी पाप कट जाते हैं, साथ ही आरोग्यता का वरदान प्राप्त होता है। अतः साधक न केवल गंगा सप्तमी पर बल्कि सामान्य दिनों में भी गंगा स्नान करते हैं। वहीं गंगा सप्तमी और गंगा दशहरा के उपलक्ष्य पर बड़ी संख्या में श्रद्धालु गंगा नदी में आस्था की डुबकी लगाते हैं। हर वर्ष वैशाख माह के शुक्ल पक्ष की सप्तमी तिथि को गंगा सप्तमी मनाई जाती है। सनातन शास्त्रों में माँ गंगा की महिमा का वर्णन मिलता है। धार्मिक मान्यता है कि गंगा नदी में केवल स्नान करने से व्यक्ति द्वारा किए सभी पाप कट जाते हैं, साथ ही आरोग्यता का वरदान प्राप्त होता है। अतः साधक न केवल गंगा सप्तमी पर बल्कि सामान्य दिनों में भी गंगा स्नान करते हैं। वहीं गंगा सप्तमी और गंगा दशहरा के उपलक्ष्य पर बड़ी संख्या में श्रद्धालु गंगा नदी में आस्था की डुबकी लगाते हैं। अगर आप भी माँ गंगा की कृपा की भागी बनना चाहते हैं तो गंगा सप्तमी पर स्नान ध्यान के बाद विधि विधान से माँ गंगा की पूजा करें। साथ ही पूजा के समय यह व्रत कथा जरूर सुने। आइए सुनते हैं गंगा सप्तमी व्रत कथा। सनातन शास्त्रों में माँ गंगा की उत्पत्ति का वर्णन है। त्रेता युग में इक्ष्वाकु वंश के राजा शगर अयोध्या में राज करते थे। उन्होंने अपने राज्य का व्यापक विस्तार किया। हालांकि उनके मन में सम्राट बनने की गहन इच्छा थी। इसके लिए उन्होंने पंडितों से सलाह लेकर अश्वमेघ यज्ञ करने की ठानी और उन्होंने पुत्रों को घोड़े के साथ पृथ्वी भ्रमण की आज्ञा दे दी। राजा सगर के पुत्र जब पृथ्वी भ्रमण कर रहे थे तभी अश्वमेघ घोड़ा खो गया। यह जानकारी उन्होंने अपने पिता को दी। राजा सगर ने किसी भी कीमत पर अश्वमेघ घोड़ा लाने की सलाह दी। इसके बाद राजा सगर के पुत्र घोड़े को ढूंढते ढूंढते कपिला ऋषि के आश्रम जा पहुँचे। उस स्थान पर घोड़े को बधा दे उन्हें विश्वास हो गया कि घोड़े की चोरी कपिल ऋषि ने ही की है। राजा सगर के पुत्रों ने कपिल ऋषि को ललकारा और अपमानित भी किया। उस समय कपिल ऋषि क्रोधित हो उठे और तत्क्षण राजा सगर के पुत्रों को भस्म कर दिया। यह जानकारी राजा सगर को हुई। उस समय राजा सगर ने अंशुमन को यह कार्य सौंपा। अंशुमन अश्वमेघ घोड़ा लाने में सफल हुआ, साथ ही पितरों को मुछ दिलाने हेतु उपाय भी जाना। उस समय कपिल ऋषि ने कहा, माँ गंगा ही उनके पितरों का उद्धार कर सकती हैं। हालांकि राजा सगर ने अपने पुत्रों को मुछ दिलाने के बजाय अश्वमेघ यज्ञ किया। इसके बाद अंशुमन को सत्ता सौ राजा सगर तपस्या हेतु वन में चले गए। कालांतर में अंशुमन समेत उनके पूर्वजों ने पितरों को उद्धार दिलाने हेतु माँ गंगा की कठोर तपस्या की। इनमें किसी को सफलता नहीं मिली। कालांतर में राजा दिलीप के पुत्र भगीरथ ने राज त्याग कर हिमालय पर माँ गंगा की तपस्या की। भगीरथ को इस कार्य में सफलता मिली। अंततः माँ गंगा धरती पर अवतरित हुई। हालांकि माँ गंगा के वेग को रोकने हेतु भगवान शिव ने अपनी जटाओं में उन्हें समेट लिया। तब भगीरथ ने दोबारा माँ गंगा की तपस्या की। उस समय माँ गंगा ने भगवान शिव की तपस्या करने की सलाह दी।
भगवान शिव को प्रसन्न करने के बाद भगीरथ को पितरों को मोक्ष दिलाने में सफलता मिली। इसी समय गंगा के वेग से जन्हू मुनि की यज्ञशाला बह गई। जब जन्हू मुनि ने गंगा नदी अपने में समाहित कर लिया, इस समय भी भगीरथ को जन्हू मुनि की तपस्या करनी पड़ी। तब वैशाख माह के शुक्ल पक्ष के सप्तमी तिथि को जन्हू मुनि ने अपने कानों से गंगा को बाहर निकाला। भगीरथ ने रसातल में जाकर अपने पितरों को उद्धार किया। जब गंगा नदी में राजा सगर के पुत्रों की अस्थि मिली तो उन्हें मोक्ष प्राप्ति हुई। एक और कथा के अनुसार एक बार ब्रह्मा जी ध्यान में लीन थे कि तभी भगवान विष्णु उनके लोक में पहुँचे। तब भगवान विष्णु को देख ब्रह्मा जी ने अपना कमंडल उठाया और कमंडल में रखे साधारण जल से भगवान विष्णु के चरण धोए। इसके बाद ब्रह्मा जी ने भगवान विष्णु के चरणों से स्पर्श हुए उस जल को वापस से कमंडल में भर लिया। उस जल में इतना तेज था कि उसमें से एक देवी उत्पन्न हुई। उन देवी का नाम ब्रह्मा जी ने गंगा रखा। उन देवी के जन्म से एक ऊर्जा पैदा हुई। उस ऊर्जा के प्रभाव से ब्रह्मलोक समेत सभी लोकों में मौजूद नकारात्मक शक्तियां नष्ट होने लगी। तब भगवान विष्णु ने उन देवी की आराधना कर उन्हें सृष्टि में माँ के रूप में पूजे जाने का वरदान दिया। तभी इस दिन को गंगा सप्तमी के रूप में मनाया जाने लगा। इसके अलावा एक कथा यह भी मिलती है कि इसी दिन माँ गंगा को भगवान शिव की जटाओं में स्थान मिला था। जब माँ गंगा को अपने तीव्र वेग का अहंकार हो गया था तब भगवान शिव ने उन्हें अपनी जटाओं में जकड़कर उनका यह अहंकार नष्ट किया था। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑल पर सेट कर लें ताकि आगे आने वाली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। धन्यवाद।